जोधपुर के इस गांव में आखिर क्यों लोगों के सर धड़ से अलग मिलते थे? इन सब के पीछे था कोई जंगली जानवर या कोई इंसान दे रहा था इन भयानक हादसों को अंजाम? सुनिए ये हिलाकर रख देने वाली थ्रिलर कहानी जिसे सुन चुके हैं अब तक करोड़ों लोग। अमलदार गाड़ी निकालो, पास के गांव में एक भयानक हादसा हो गया है। कैसा हादसा मैडम सर? गांव के सारे लोगों के सर कटे हुए मिले हैं, सबके जिस्म चिथड़ों में फटे हुए हैं। खबर मिली है शायद कोई भेड़ियों का झुंड था। क्या? नहीं नहीं मैडम सर, भेड़िया नहीं, लगता है वो वापस आ गया मैडम सर, वो वापस आ गया। कौन वापस आ गया रामदास? वही ड्रैकुला। सन 1857 में जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तब जोधपुर के गांव में ये अजीबोगरीब हादसे हर रोज हो रहे थे। कभी लोगों के सर धड़ से अलग मिलते तो कभी उनकी अंतड़ियां उनके शरीर से बाहर। कुछ लोग इसे जंगली जानवरों का काम मानते थे लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये एक आदमखोर का काम है जिसका नाम था ड्रैकुला। हर रोज एक नया गांव इस हादसे का शिकार हो रहा था लेकिन इस हादसे को अंजाम देने वाला काफी चालाक था क्योंकि वो गांव के हर इंसान का कत्ल कर देता था ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। लेकिन आखिर ये ड्रैकुला था कौन? क्या वाकई ये किसी इंसानी आदमखोर का काम था? अब इंस्पेक्टर अनिता को एक चौंका देने वाली खबर मिलती है। मैडम सर, खबर मिली है कि अंग्रेजों का सरदार कॉलोनल एंड्रूज ने उस आदमखोर को देखा है। अब अनिता तुरंत कर्नल एंड्रूज के घर पहुंचती है तो वो आपसे इस वक्त नहीं मिल सकते, मुझे बता दीजिए क्या काम है। जी नहीं, मुझे कर्नल से ही मिलना है। मैंने कहा ना, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। पर क्यों? वो किसी काम से बाहर गए। पर तभी अनिता की नजर कर्नल की सरकारी गाड़ी पर पड़ी जो उनके घर के बाहर खड़ी थी। वो समझ गई कि उनका सिपाही उससे झूठ बोल रहा है और जरूर दाल में कुछ तो काला है। आखिर अचानक कर्नल अंडरग्राउंड क्यों हो गया? कहीं इसका कनेक्शन उस आदमखोर से तो नहीं? सिपाही के अंदर जाते ही अनिता कर्नल की सरकारी गाड़ी की जांच पड़ताल करने लगती है और उसे गाड़ी की सीट पर एक चौंका देने वाली चीज दिखती है। रोए, किसी जानवर के रोए। ये रोए आखिर किसके हो सकते हैं? और इतने सारे रोए कर्नल की गाड़ी में। अब अनिता चुपचाप कर्नल के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है और आधी रात को कर्नल एक चादर ओढ़े चुपके चुपके घर से बाहर निकलता है और सीधा जंगल की ओर निकल जाता है। चलो रामदास, इसका पीछा करते हैं। धीरे धीरे जब अनिता जंगल की ओर बढ़ने लगती है तो उसे कर्नल की चादर रास्ते पर गिरी मिलती है। और ये चादर देखो रामदास, इस पर भी जानवर के रोए हैं, जल्दी चलो। अनिता की नजरें कर्नल को ढूंढ रही होती है लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। कर्नल, कर्नल। और अचानक हवलदार रामदास के चीखने की आवाज आती है। रामदास। और अनिता देखती है कि रामदास का धड़ जमीन पर गिरा छटपटा रहा है और उसका सर गायब है। लेकिन अगले ही पल अनिता ने कुछ ऐसा देखा जो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो चीख पड़ी। ड्रैकुला। आखिर अनिता किसे ड्रैकुला बुला रही थी? रामदास का सिर किसने काट दिया था? आखिर कर्नल आधी रात को जंगल में क्या करने गया था? उसकी गाड़ी की सीट और चादर में वो रोए क्यों और किसके थे? क्या कर्नल का ड्रैकुला से कनेक्शन था? मिलेंगे आपको सारे जवाब जब सुनेंगे आप ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो सीरीज जिसका नाम है ड्रैकुला। बेस्ट ऑफ स्टोरीज जस्ट फॉर यू। स्टार्ट योर 7-डे फ्री ट्रायल टुडे। गेट इट ऑन गूगल प्ले। 8